सुरगरम पे एक ब्रिज का काम शुरू होने वाला है जिसको NHAI करने जा रही है। तो कुछ समय से हम कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट के साथ टच में है, गवर्नमेंट से भी हमें कुछ कुछ फीडबैक आता रहता है कि किस तरीके से हम पूर्वरम वाले स्ट्रेच को डीकंजेस्ट कर सकें, और उसकी तैयारियां अभी से हमने करनी शुरू कर दी है कि आगे जाके पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अराउंड 1 वीक हम लोग जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो नॉन एसेंशियल गुड्स लेके आ रही हैं, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, और उनको हमने बताया कि वो बांदा से होके, दोना मार्ग से होके, सांकली की तरफ से वो लोग फोंडा के रास्ते से अपना रास्ता लें, रूट लें। बाकी रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक उनकी मूवमेंट अलाउड है। ये रिस्ट्रिक्शंस दिन के समय ही रहेंगी ज़्यादातर, और इसके ऊपर हम मैसेज भी कर रहे हैं कि इससे पोर्वरिम का जो स्ट्रेच है उस पर ट्रैफिक पे कितना इफ़ेक्ट होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद कि इसको क्या हमें, और जब ब्रिज बन रहा हो तो एक इस परमानेंट किया जाए या नहीं। तो आप एक तरीके से आपके माध्यम से हम सिर्फ जो ट्रक्स नॉन एसेंशियल सामान लेके आ रहे हैं, हम उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो रास्ता जो है वो बांदा से होते हुए दोनों मार्ग वाला लें, और ये पोरोरम वाला स्ट्रेच दिन के समय अवॉइड करें। Would they be allowed to come from Banastari or it would be from Shirwade side or something? Ha, Shirwade side. Shirwade side. Yes. Not from Banastari. No, no. Yes. उस तरीके के restrictions, हमारा जो main restriction है वो हमने पत्रा देवी से जो entry है उस पे लगाने की कोशिश। So they will be allowed to come through the new Jwari bridge. If somebody is coming towards Panjab, yes. So Shirwade to that Lotoli side, I don't know. Yeah, yeah, they can be. वो कलेक्टर के ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाइड है वो चीज़ें। और जो कलाकुट का जो ट्रैफिक है टूरिस्ट का, उस पर कि काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर इन लॉट ऑफ लार्ज नंबर्स ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस वॉज डिप्लॉयड इन द टूरिस्ट एरिया, और उसके हमें एक तरह पॉजिटिव फीडबैक ही आया है कि जो ट्रैफिक कंजेशन थे वो कम रहे, और काफ़ी ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन का हमें सहयोग भी रहा इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने में, और इन्हीं मेजर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। सर, जो हैवी व्हीकल्स हैं जो अभी जा रहे हैं पूर्विन से, उनको कैसे डाइवर्ट, ये आपने ये सिर्फ आने के लिए अभी किया गया है, और जैसे मैंने कहा एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसका इम्पैक्ट देखने के बाद वी विल टेक सम परमानेंट डिसीजन कि क्या करना है। ओके, थैंक यू।